दोस्तों आप सभी को डॉक्टर अशोक राय का बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है गर्मी, यानी कि आज की तारीख में भी गर्मी का तापमान कम से कम 40 से 45 डिग्री रहता है। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए क्या करें और इसे कैसे निजात पाएं, तो इसका एक उत्तर है होम्योपैथी को अपना हथियार बनाकर हम निश्चित रूप से गर्मी को हरा सकते हैं। गर्मी के मौसम में बचने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं। कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी अगर आप सही ढंग से सुने तो, और नहीं तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथ के पास में जाएँ और उससे दवाइयों के बारे में परामर्श करें और उनसे परामर्श करें और होम्योपैथिक दवाई का सेवन करें। गर्मी से थकावट, अगर गर्मी में थकावट हो जाती है, अक्सर होता है ये 40 से ज़्यादातर उम्रदराज लोगों को, 40, 45, 50 या 60 वर्ष के लोगों को, हमें नित्य कर्म करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में हमें गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ता है। ऐसे में जो पहली औषधि हुआ है वो है एंटीमकोड, जेल्सिमियम, नेटरम गार्ड, सिलेनियम, लैकसिस और नॉक्स मॉस्टेटा। तो ये दवाइयाँ हैं जो गर्मी से थकावट में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगी आपको। पहले आप एंटीमकोड लें कुछ दिन तक, 3 या 4 दिन तक, अगर उससे लाभ नहीं मिलता है फिर जेल्सिमियम ले सकते हैं, उसके बाद में आप नेटरम गार्ड ले सकते हैं। याद रखें दवाइयों के नाम, सिलेनियम और उसके बाद में लैकसिस और नक्स मॉस्टेटा। तो इस तरह से इन दवाइयों के नाम हैं जो थकावट को दूर करती हैं। हीट स्ट्रोक, अगर गर्मी अगर आपको लग जाती है, लू अगर आपको लग जाता है, तो इसमें जो ग्लोनाइन बहुत ही कारगर दवा सिद्ध होती है। मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि आप ग्लोनाइन को हर समय अपने पॉकेट में रखें और दो दो बूंद उसे हर 4 घंटे पे जीभ पे डायरेक्ट लेते रहें। तीखी तो लगती है लेकिन बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अगली जो दवा है वो है नेट्रम कार्ब, बेलोडोना, लैकसिस, इमाइल नाइट्रेट भी बहुत ही कारगर दवा है। गर्मी से रेस, इससे जो है कैलीबाइक्रोम एक बहुत ही अच्छी दवा है। और गर्मी से रैश हो जाता है तो गर्मी से सिर दर्द, अगर गर्मी की वजह से सिर में दर्द हो जाता है तो सबसे बड़ी पहली दवा जो आती है वो है जेल्सिमियम, ग्लोनाइन, नेट्रम गार्ड, बेलोडोना, कैलीबाइक्रोम, लैकसिस, एंटीमकोड, ब्रायनिया और कैल्केया कार्ब। ये 2-3 दवाइयाँ आप अपने पास में हमेशा रखें और बचाव के लिए अपने घर में भी रख सकते हैं। गर्मियों से अपच, तो गर्मियों में अगर अपच हो जाता है तो ऐसे में जो दवा काम करती है वो है एंटीमकोड ब्रायनिया और लाइकोपोडियम। ये गर्मी से अपच में काम करती है। प्रिकली हीट, एकोनाइट, ब्रायनिया, जेबरंडी, एमोनियम म्योर, आर्सेनिक एल्बम, डेडम पाल, साइजीजियम, आर्टिका यूरेंस, ये दवाइयाँ आपकी प्रिकली हीट में बहुत ज़्यादा काम करेंगी। गर्मी के साथ अगर पसीना आता है आपको तो इसमें जो है लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, पल्सिटला और ग्रेफाइटिस। याद रखें गर्मी के साथ पसीना होता है तो लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, पल्सिटला और ग्रेफाइटिस, ये दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। गर्मी से सिंकोप, अगर चक्कर आके कोई गिर जाता है तो ऐसे में जेल्सिमियम, एकोनाइट, एंटीमकोड, लैकसिस, नक्सोमिका, ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी कार्य करती हैं।
गर्मी में कंजंक्टिवाइटिस, तो एकोनाइट, बेलोडोना, फेरमफॉस, पल्सिटला, कैलीबाइक्रोम, नेट्रम्यूर, कैलकेकाप, नक्स वोमिका, ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। इन दवाइयों को अपने लक्षण के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। ये दवाई होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह से लीजिए, वरना और समस्या हो सकती है। बार बार कह रहे हैं कि ये दवाई होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह से लीजिए, ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है कि होम्योपैथी में हीट वेव से बचने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, तो इसको आप सुन सकते हैं, लेकिन दवाइयां तभी लें जब आपका डॉक्टर आपको सलाह दे। आप उनसे सलाह मशवरा करें और फिर आप दवाई ले सकते हैं। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरह के टॉपिक मैं लेके आता हूँ, आप कृपया हमारे साथ में बने रहें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।